जिस बंदे के कैप्टनसी के अंदर इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, लेकिन उसके खराब फॉर्म की वजह से उसको टीम से निकाला गया। इवन बीसीसीआई ने अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से उसका नाम हटा दिया। और बीते 3-4 आईपीएल सीजन जिस बंदे के बहुत खराब गए हो, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग ने उसको 50 लाख के बेस प्राइस में खरीदा। फिर दूसरी टीमों में धीमी लोकल की तरह खेलने वाला अजिंक्य रहाणे एकदम से एमएस धोनी के कैप्टनसी के अंदर सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन जाता है और ऐसा धमाका करता है कि 200 के स्ट्राइक रेट से रन मारता है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्टली सिलेक्शन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में होता है। बताने के बाद यह सिर्फ जिस रहाणे का करियर खत्म होने वाला था, वो अचानक धोनी के कैप्टनसी में सहवाग मोड में आता है और अपने टीम में जबरदस्त कमबैक करता है।